शिक्षा विभाग ने अब मर्ज किए गए स्कूलों को फिर से खोलने की कवायद शुरू कर दी है। जितने भी स्कूलों को पिछली राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में मर्ज किया था सभी फिर से खोले जाएंगे। इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर आवश्यकता का आकलन करते हुए रिपोर्ट मांगी थी। जिलों से जिन स्कूलों को फिर से खोलने का प्रस्ताव आया है उन स्कूलों के पोषक क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की संख्या, निकटतम स्कूल की दूरी, स्कूल भवन की मौजूदा स्थिति और स्कूल की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। सबसे अहम बात यह है कि मर्जर के बाद बंद हुए स्कूलों को दोबारा शुरू करने के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देना होगा। उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित स्कूल को दोबारा खोलने को लेकर दी गई सभी जानकारियां सत्य है और स्कूल खोलने की ज़रूरत है। जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगले सत्र से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने राज्य के 6500 स्कूलों को मर्ज कर दिया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि संबंधित स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या तय प्रावधान के अनुरूप नहीं है। 1 किलोमीटर में एक से अधिक स्कूल होने की स्थिति में उसे पास के स्कूल में मर्ज किया गया था। वहीं राज्य के 325 स्कूलों को +2 विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। इस संबंध में भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले शैक्षणिक सत्र में विद्यालयों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विद्यालयों के आधारभूत संरचना को भी सुदृढ़ किया जाएगा। विद्यालयों में क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।